हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। 20वीं शताब्दी में दो व्यक्ति थे, दो मनोवैज्ञानिक थे। एक का नाम था एरिक एरिक्सन और दूसरे का नाम था जोआन एरिक्सन। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर जो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने मनोसामाजिक विकास के जो है कितने चरण बताए, 8 चरण बताए। इन्होंने बताया कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, एक स्वस्थ विकासशील व्यक्ति जो है, उसका जो बचपन है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको जो है वो 8 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जो भी चरण है, ये जो 8 चरण होंगे, तो इन चरणों के परिणाम चाहे पॉजिटिव निकले या नेगेटिव निकले, ठीक है, चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो वे सफल चरणों के परिणाम को प्रभावित जरूर करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी जो है एक बुक थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिएगा। इनके सिद्धांत को जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने पूरे जो है जीवन को लिया, 8 चरणों में जो विभाजित किया है, उसमें पूरे जीवन की बात बताई है कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जिन चरणों से इंसान गुजरता है, उसमें कैसे विकास होता है। तो यही बात जो है एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में कही है। तो देखिए, वर्तमान में अहम यानी ईगो या आत्म सेल्फ का विकास इनके सिद्धांत में यही बताया गया है, और इन्हीं अवस्थाओं से ये होता है। तो इन 8 जो अवस्थाएं हैं, ये जो 8 स्टेजेस हैं जो हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं, उम्र याद रखनी है कि कौन सी स्टेज जो है उसका समय जो है वो कब से लेकर कब तक है, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकी 8 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर हिंदी में ना देकर इंग्लिश में दे देता है। तो इसका है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, और इसकी जो उम्र बताई गई है वह है जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये जो जीवन का पहला वर्ष होता है, इसमें ये अनुभव किया जाता है कि बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उनको क्या मिलता है, प्रेम और स्नेह मिलता है, ठीक है, जो उनमें क्या जगाते हैं, विश्वास जगाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो माता पिता का प्रेम और स्नेह देखते हैं, तो उनके अंदर जो है वो विश्वास का भाव जो है विकसित तो हो जाता है। और जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते और चिल्लाते छोड़ जाते हैं, तो उनमें जो है वो अविश्वास का भाव आ जाता है। तो बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छा और सकारात्मक विचार, जैसे संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है, आदि जो है उम्र भर के लिए विकसित तो हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट स्टेज में जो है वो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था बताई गई है, ठीक है। बच्चे जो है वो माता पिता को जब देखते हैं कि उनसे जो है उनको प्रेम भाव जो है ये मिल रहा है, तो विश्वास उनके अंदर आ जाता है, होप आ जाती है, आशा आ जाती है। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि माँ बाप जो है हमें छोड़कर चले गए हैं, एक बच्चे को छोड़कर उसकी माँ जो है वो कहीं काम करने ही चली गई है, तो उसके अंदर अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है, निराशा आ जाती है। और इन सब का जो है वो फर्क कहाँ पर पड़ता है, इन सब का फर्क जो है उसके रिजल्ट पर पड़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी जो चरण हैं, इनके परिणाम चाहे नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, ये सफल चरणों के परिणाम को प्रभावित करेंगे। दूसरी है अवस्था स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था। तो इसकी जो उम्र है वो 1.5 से 3 वर्ष है। तो जब शैशव अवस्था होती है, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था है ये, ठीक है। और इस अवस्था में बालक जो है वो दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता, बल्कि अपने आप ही जो है वो भोजन करना, अपने आप ही जो है वो कपड़े पहनना, ये सब उसको पसंद आता है, ये करना चाहता है, यानी कि वो एकदम फ्री होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो माता पिता होते हैं, वो बच्चों को जो है साधारण कार्य करने पर भी डांटने लग जाते हैं, ठीक है, जो उनकी जो कैपेसिटी है उस पर भी शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपने अंदर क्या महसूस करते हैं, लज्जा महसूस करने लग जाते हैं। थर्ड जो स्टेज है उसका नाम है पहल बनाम अपराध की अवस्था, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो उम्र होती है 3 से 6 वर्ष, यानी कि जब बच्चा स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चे को जो है कई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो परिवार वाले, स्कूल वाले, वो क्या चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने शरीर के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति जो है वो सचेत रहें, जो खिलौने हैं, पालतू पशु जो हैं, उनको जो है वो ध्यान देना शुरू करें। यानी कि उनको जो है वो कुछ जिम्मेदारी, जो छोटी छोटी जिम्मेदारी है वो उनको दी जाती है। जब वो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो अपराध की ओर चले जाते हैं। अगली जो स्टेज है, अध व्यवसाय बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये चौथी स्टेज है, याद रखना है आपको। यहाँ बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, यानी कि आगे के जो व्यवसाय के प्रति जो है वो उसको सचेत किया जाता है, उसे कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो है सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और यही सबसे अच्छा टाइम होता है आगे उसको बढ़ाने के लिए। और इस आयु में बालक के अंदर जो है वो हीन भावना, यानी कि अपने आप को अयोग्य समझना, अपने आप को, आपको जो है किसी कार्य के प्रति जो है वो असमर्थ समझना, ये भी वो समझने लग जाता है। ये भावना जो है यहाँ पर विकसित होती है। तो ये जो है किस स्टेज में होती है, 6 से 12 वर्ष तक की उम्र में ये होती है, यानी किशोरावस्था से पहले की अवस्था ये कही गई है। किसके अनुसार? एरिक एरिक्सन के अनुसार। अगली स्टेज देखें, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। यहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी कुछ पहचान बनाना चाहता है, ठीक है। पांचवी स्टेज जो है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, या पहचान बनाम पहचान भ्रांति भी इसको कहते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और जब बच्चा अपने आप को जो है यहाँ साबित कर देता है, खुद की पहचान बना लेता है, जब तो उसके लिए बिल्कुल सही रहता है। लेकिन जब वो यह कार्य नहीं कर पाता है तो क्या होता है, वो ये सोचने लगता है कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि ये जो स्टेज होती है किशोरावस्था के समय की, ये स्टेज है, तो इस समय जो है उसके सामने कई जो है क्वेश्चन सामने आ जाते हैं कि वो कौन है, किससे जो है वो संबंधित है, ठीक है, उनका जीवन जो है वो कहाँ जा रहा है, अब उसको क्या करना चाहिए, क्या पहचान है उसकी। यदि वह पहचान को खोजने में सक्सेस हो जाता है जब तो उसके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है, वरना जो है रोल कंफ्यूजन जो है, यानी कि वो अपना खुद का अस्तित्व जो है वही खो बैठता है। यदि इसके सकारात्मक रास्ते जो है उसको पता लगने का जो है मौका नहीं मिलता है तो पहचान भ्रांति की स्थिति हो जाती है, ठीक है। घनिष्ठता बनाम अकेलापन, यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अब सहयोग चाहता है, यानी कि किसी को जो है वो मित्र बनाना चाहता है, ऐसा घनिष्ठ जो है संबंध बनाना चाहता है, ठीक है। और एक आत्मीय संबंध जब बन जाता है तो उसके अंदर जो है आत्मीयता की भावना आ जाती है, घनिष्ठता की भावना आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति जो है अकेलापन जो है महसूस करने लगता है और अलगाव की भावना उसके अंदर आ जाती है। और ये जो अवस्था है ये 20 से 40 वर्ष तक की होती है, ठीक है। यानी जहाँ पर उसको जो है वो प्रेम भाव जो है वो मिल जाता है, जहाँ उसकी घनिष्ठता जो है जिसके साथ वो जुड़ना चाहता है वो उसको प्राप्त हो जाती है, तो घनिष्ठता की भावना आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर जो है वो अकेलापन यानी अलगाव की भावना विकसित हो जाती है। एरिक्सन की जो सातवीं अवस्था है, जननात्मकता बनाम स्थिरता, यानी कि यहाँ पर इस अवस्था में व्यक्ति जो है जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके कल्याण के लिए जो है वो सोचना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे सामाजिक कार्यों में जो है वो सम्मिलित होना प्रारंभ कर देता है जहाँ पर लोगों को क्या हो, भला हो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर यदि ये चीज़ जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है तो उसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। वो लोगों के लिए जो है वो सोचना बंद कर देता है, लोगों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है कुछ भी नहीं कर पाने की भावना उसके अंदर विकसित हो जाती है। ये जो अवस्था है इसकी जो समय है वो 45 से 65 वर्ष तक की मानी गई है, जहाँ पर व्यक्ति जो है वो दूसरों की केयर करना, ठीक है, सामाजिक कार्यों में जो है वो लगे रहना, इस कार्यों को वो करता है। अगर उसके अंदर ये भावना विकसित नहीं हो पाती है तो क्या होता है, तो उसमें जो है स्थिरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर। 65 से ऊपर की जो उम्र है उसकी अवस्था बताई गई है, यानी कि इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से लेकर जो है वो मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। और इस चरण में व्यक्ति जो है वो अपने अतीत को जो है टुकड़ों में एक साथ याद करता है कि मैंने जो है वो पहले क्या किया था, ठीक है, कैसे कैसे कार्य किए थे मेरे साथ, जो है वो कौन कौन जुड़ा था। तो जब उनको इसका एहसास जो है वो संतुष्टि भरा मिलता है कि मैंने जो जो सोचा था जीवन में वो मैंने पाया और वो मैंने कर लिया, तो वह यहाँ पर अपने आप को संपूर्ण महसूस करता है। और अगर
जिन चीज़ों में वो असफल हो जाता है, अंत में जो है वो अकेलापन महसूस करता है, ना ही उसका कोई संगी साथी है, कोई भी जो है साथ देने वाला नहीं है, अकेलापन, बहुत अकेला हो गया है। और जितने भी उसने जो पूर्व में जो कार्य किए थे वो उसके पूरे नहीं हो पाए, तो उसके अंदर जो है निराशा की भावना आ जाती है। यानी कि बीते हुए जीवन के बारे में अगर सकारात्मक विचार नहीं बन पाते हैं तो उदासी की भावना जो है उसके अंदर आ जाती है, और इसी को एरिक्सन ने क्या नाम दिया है, निराशा का नाम दिया है। ठीक है, तो पूरा जो जीवन है एरिक्सन ने इनको 8 स्टेजेस में बांटा है कि 8 स्टेजेस में अगर व्यक्ति जो है उन कार्यों को कर लेता है तो उसके अंदर जो सकारात्मक की भावना आ जाती है, वरना उसके अंदर जो है वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो थ्योरी देने के बाद भी एरिक्सन जो हैं वो ये मानते हैं कि जितनी भी चरण हैं इसमें आने वाली जो भी समस्याएं रही हैं, तो इन समस्याओं का अगर उचित समाधान नहीं मिलता है, यानी कि जब चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक परिणाम जो है उनको नहीं मिलता है, और ऐसा पूरी लाइफ में ज़रूरी भी नहीं है कि जो है हर समस्या का जो है उचित समाधान मिले ही, ठीक है, कभी कभी समस्या के जो है ऋणात्मक पक्षों से भी परिचय जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, यानी जरूर होना चाहिए। हमेशा सकारात्मक चीज़ें मिलती रहें व्यक्ति को, तो जो दूसरी साइड है उसका तो उसे बिल्कुल महसूस होगा ही नहीं। तो सकारात्मक चीज़ें जितनी ज़रूरी हैं उतनी ही ज़रूरी हैं नकारात्मक चीज़ें भी, ठीक है, क्योंकि जीवन में जो है हर स्थिति में सभी लोगों पर एक जैसा विश्वास करना ये भी संभव नहीं होता है। तो इसीलिए जो है वो एरिक्सन ने जो है वो दोनों चीज़ों को शामिल किया है कि पूरा जो जीवन है सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर आधारित है। तो यहाँ पर ये थ्योरी जो है वो आपकी समाप्त तो होती है। उसके बाद देखिए फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं मनोलैंगिक विकास की, और इन अवस्थाओं को जो है कहा जाता है पंच अवस्था सिद्धांत। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का जो है दूसरा नाम क्या है, पंच अवस्था सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है ये, फ्राइड का सिद्धांत है। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई और इन्हीं 5 अवस्थाओं के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली जो अवस्था है वो मुख प्रधान अवस्था है, दूसरी गुदा अवस्था है, तीसरी लिंग प्रधान अवस्था है, चौथी अवस्था का नाम है काम प्रसुप्ति अवस्था, और 5वीं अवस्था जो है जननात्मक अवस्था कही जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ओरल स्टेज मुखावस्था, जिसका समय है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक। तो ये जो अवस्था है इसमें एक जो नवजात शिशु जो होता है इसकी मूल प्रवृत्तियां जो है वो मुख पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में बालक के ध्यान का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु जो है वो उसका मुख होता है, और इसी अवस्था में बालक जो है वो चूसना, काटना, निगलना, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये करना सीख जाता है। ठीक है, और बालक जन्म के बाद यानी आरंभ के कुछ महीनों की अवधि में ही शिशु में जो है संसार के प्रति जो है वो आधारभूत अनुभव भावनाएं भी वह भी विकसित होती हैं इसी अवस्था में। संसार से जो है उसका परिचय धीरे धीरे इसी अवस्था में होना प्रारंभ होता है। पूछा क्या जाएगा आपसे इस स्टेज के बारे में कि जो फ्राइड की जो प्रथम अवस्था है मुखावस्था, ये इसकी जो समय है वह क्या है, जन्म से 1 वर्ष तक है, ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि एक नवजात शिशु की मूल प्रवृत्तियों का जो केंद्र बिंदु उसका मुख होता है वह कौन सी अवस्था है, तो वह है मुखावस्था, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनल स्टेज गुदावस्था, इसका समय है 1 से 3 वर्ष। यहाँ पर इस उम्र तक आते हुए जो बच्चा होता है यहाँ पर समाज की कुछ मांगों के प्रति जो है अनुक्रिया करना सीखता है, जिसमें उसके खुद के माता पिता भी आते हैं। माता पिता जो है वो भी यही सोचते हैं कि कम से कम हमारा बच्चा जो है वो मल मूत्र त्यागना तो सीख ही जाए, और इसी अवस्था में बच्चे के अंदर जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, स्वार्थी हो जाना, यानी केवल खुद के बारे में ही सोचना, खुद की चीज़ों के को ही ध्यान में रखना, किसी को ना देना, जिद्दी होना, क्रोधी होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। जो हमने व्यक्तित्व का सिद्धांत देखा था, मन का सिद्धांत देखा था, तो हमने इड और ईगो की बात की थी। इड और ईगो के बीच जो द्वंद्व का आधार स्थापित होता है वो भी इसी अवस्था में होता है। तो ध्यान रखना है कि पहली अवस्था जिसमें चूसना और काटना जैसी ये क्रियाएं करता है बच्चा, दूसरी स्टेज जो गुदावस्था है इसमें मलमूत्र त्यागना और रोकने में आनंद महसूस करता है, तीसरी अवस्था है फैलिक स्टेज कहा जाता है जिसको लिंगावस्था, और इस अवस्था में बालक जननांगों पर अधिक बल देता है। 3 से 6 वर्ष इसका समय है। यहाँ पर जो छोटा बच्चा होता है वो एक पुरुष और महिला के बीच में जो है अंतर ये उसको पता लगने लगता है,
ठीक है, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्लैंड का विकास होता है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्लैंड का विकास होता है, और इसी वजह से जो है वो अपने पिता से प्रेम अधिक करती हैं माता की बजाय। ठीक है, लड़कों में ओडिपस ग्लैंड जो है इसका विकास होता है 3 से 6 वर्ष में, और इस वजह से जो लड़के होते हैं वो अपनी माता को अधिक स्नेह करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं, और ये चीज़ जो है वो आपने देखी भी होगी। तो ये जो अवस्था होती है इसमें एक और चीज़ आ जाती है, और वो क्या होता है, तादात्म्यकरण। अभी जब आप व्यक्तित्व पढ़ेंगे, समायोजन पढ़ेंगे, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तादात्म्यकरण जो है इसका विकास भी हो जाता है, यानी किसी के जैसा जो है वो दिखना चाहता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ठीक है, फैलिक स्टेज में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो ग्लैंड जो हैं ये विकसित तो होती हैं। लड़कों में पूछा जा सकता है कौन सी ग्लैंड का विकास होता है लिंगावस्था में, तो आपको याद रखना है ओडिपस, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्लैंड का विकास होता है। फोर्थ है लेटेंसी स्टेज, सुसुप्त अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था जो है कही जाती है। यहाँ पर लिबिडो का अदृश्य हो जाता है। जो फ्राइड थे वो काम प्रवृत्ति को ज़्यादा महत्व देते थे, और उनकी आलोचना भी होती है कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये बोलते हैं कि जो फोर्थ स्टेज है सुसुप्त अवस्था, तो जो कि 6 से 12 वर्ष तक की है, तो यहाँ पर लिबिडो का अदृश्य हो जाता है। लिबिडो क्या है, एक तरीके की, मानिए कि एक तरीके की मनोवृत्ति होती है। ठीक है, जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा होती है, जो लैंगिक संतुष्टि होती है वो होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक का जो अधिकांश जो उसकी एनर्जी होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, वो आप देखिएगा खेल में निकलती है। ठीक है, अपने साथियों में निकलती है, जो सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें निकलती है। हर काम को वो सोचता है कि इस काम को जो है वो मुझे जीतना ही है, यानी कि हम कहें कि उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है, वो सामाजिक कार्यों में और उपलब्धि संबंधी जो कार्य होते हैं उनमें ज़्यादा निकलती है। यहाँ पर जो उसकी कामेच्छा जो होती है वो सोई हुई रहती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ स्टेज है जेनिटल स्टेज, जनन इंद्रिय अवस्था, जिसको हमने जननात्मक अवस्था भी इसको कहा है। ठीक है, जनांकीय अवस्था भी इसको कहा है, और इस अवस्था में व्यक्ति मनोलैंगिक विकास में जो है वो परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। परिपक्वता को जो है वो अधिगम जो टॉपिक है इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो जो पूर्व की अवस्थाएं होती हैं, जहाँ पर कामेच्छाएं जो है वो बिल्कुल दमित हो गई थी, जहाँ पर सो गई थी, तो यहाँ पर क्या होता है, दोबारा से जो है ये अभिव्यक्त होने लग जाती है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक का जो है विपरीत लिंगी आकर्षण, यानी कि एक जो लड़का है उसका लड़की के प्रति जो है वो अट्रैक्शन हो जाता है, और लड़की का लड़के के प्रति। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और नोट में देखिए मैंने लिख दिया है ओडिपस ग्लैंड, जहाँ पर लड़के में माता के प्रति प्रेम आ जाता है, और ये कौन सी अवस्था है, फैलिक स्टेज है, थर्ड अवस्था है, लिंगावस्था जिसको कहा जाता है फ्राइड के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रा ग्लैंड जिसमें लड़की में पिता के प्रति प्रेम की भावना आती है। तो कई बार जो है वो एग्जाम में जब ऐसे पूछ लिया जाता है, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ध्यान में रखना आपकी ओडी जो है वो एक लड़के का नाम है। ठीक है, और लड़का जो है तो विपरीत जो है आकर्षण हो रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ओडी जब लड़का है तो उसका माता के प्रति, और जो दूसरा है वो आपको वैसे ही ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, वो लड़की के प्रति हो जाता है। तो यहाँ पर जो है फ्राइड की जो थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें 5 अवस्थाएं जो है वो बताई गई थी। फर्स्ट जो है मैंने बताया, दोबारा से जो है वो इसको रिवाइज कर लेते हैं। मुख प्रधान अवस्था, जिसमें जो मूल प्रवृत्तियां जो है मुख पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, बालक के ध्यान का केंद्र बिंदु क्या बताया मैंने, उस आपको मुख बताया। दूसरी अवस्था जो मैंने बताई, गुदा प्रधान अवस्था बताई थी, जहां पर कुछ इच्छाएं होती हैं माता पिता की, समाज की, जो बच्चे से की जाती हैं कि इतना तो वो कर ही सकता है, यानी मल मूत्र त्याग करने की अवस्था कौन सी है, सेकेंड है गुदा अवस्था। तीसरी जो अवस्था बताई वो मैंने आपको बताई लैंगिक अवस्था, और इस अवस्था में बालक जो है वो अपने जननांगों पर अधिक बल देता है। इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्लैंड जो है ये विकसित होती हैं तीसरी अवस्था में, ध्यान रखना है, नाम है फैलिक स्टेज। फोर्थ जो मैंने बताई, फोर्थ स्टेज थी काम प्रसुप्ति अवस्था, जहां पर काम प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति की, बालक की जो है वो सोई रहती है। ठीक है, और उसको जो है जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, यानी कि अगर कंपटीशन होता है स्कूल में तो फर्स्ट आना, उपलब्धि हासिल करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिफ्थ जो स्टेज बताई वो मैंने आपको बताई जननांगीय अवस्था, जननेन्द्रिय अवस्था, यहाँ पर जो पूर्व में सोई हुई क्रियाएं थी, कामेच्छाएं जो थी, वो दोबारा से अभिव्यक्त होने लग जाती हैं। ठीक है, और इस अवस्था में विपरीत लिंगी आकर्षण जो है वह भी देखने को
मिलता है। तो यहाँ पर फ्राइड के संबंध में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक तो आपसे जो है वो लिबिडो पूछा जा सकता है। लिबिडो क्या है आप बताना, एक मनोवृत्ति है जो कि जो फ्राइड हैं उनकी जो चौथी अवस्था है उसमें हमने पढ़ा है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ये एक लाइन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो शब्द जिसको दिया नार्सिसिज्म, ठीक है, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति है जहाँ पर बच्चा जो है वो खुद को प्रेम करता है, स्वार्थ की भावना जो है उसके अंदर रहती है। कौन सी स्टेज है, गुदा प्रधान अवस्था है। ये थोड़ा सा एक लाइन जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लेना इसको। नार्सिसिज्म जो है वो किस अवस्था में, गुदा अवस्था में, जहाँ पर बालक जो है वो स्वयं से प्रेम करता है। और इस शब्द को किसने दिया है, लिबिडो शब्द, नार्सिसिज्म शब्द किसने दिया है, फ्राइड ने दिया है। तो इस तरीके से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी जो भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। इसको बार बार रिवाइज करिएगा, स्टेज जो हैं इनके नाम जो हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं, चाहे वो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हो या फिर फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत हो। और याद रखना है इनका समय, और इस समय में जो है वो किस चीज़ का विकास होता है ये आपको याद रखना है। अगला देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और ये अंतिम सिद्धांत है सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो वाइगोत्स्की जो कि रूसी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, सामाजिक रचनावाद, निर्मितवाद भी कहे जाते हैं, ठीक है। रचनावाद की अगर बात आती है तो आपको एक नाम याद आया होगा, जीन प्याजे का। जीन प्याजे जिनको हम रचनावाद के पिता भी कहते हैं, लेकिन अगर इसके आगे जुड़ जाए सामाजिक सांस्कृतिक शब्द जुड़ जाए तो इसका मतलब कौन है, ये वाइगोत्स्की हैं। अगर हम जीन प्याजे की थ्योरी की बात करते हैं, जीन प्याजे कहते हैं कि एक जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, खोज करके सीखता है, किसी भी चीज़ का निर्माण करता है वो खोज करता है, चिंतन करता है, वह व्यक्तिगत रूप से सीखता है, स्वयं करके सीखता है, समाज में बाद में वो अंतःक्रिया करता है। वहीं वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि खोज चिंतन नहीं, बल्कि बच्चा जो है सबसे पहले क्या करता है, समाज के लोगों से अंतःक्रिया करता है, उस संस्कृति से जो है वो परिचय करता है और फिर उसके द्वारा वह सीखता है, ठीक है। बाद में जो है उससे संबंधित जो बातें होती हैं फिर वो करता है चिंतन। तो ये फर्क है जीन प्याजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में। यहाँ व्यक्तिगत रूप से सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सिद्धांत है यहाँ पर वह बड़ों से अपने जो संगी साथी हैं उनके साथ क्रिया करके सीखता है। तो वाइगोत्स्की जो कि इंपॉर्टेंस देते हैं समाज को, वहीं पर जो जीन प्याजे हैं वो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, वो भौतिक वातावरण को इंपॉर्टेंस देते हैं। जीन प्याजे जो हैं वो भौतिक वातावरण को इम्पोर्टेंस देते हैं, और वाइगोत्स्की किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उस समाज को जहाँ पर वो बालक जो है वो रह रहा है। एक जो शब्द आया था जीन प्याजे के संबंध में, अहम केंद्रिता, मैंने आपको अच्छे से ये समझाया था, ठीक है, कि एक स्टेज में आके बच्चा जो है वो अहम केंद्रित हो जाता है। और इस अहम केंद्रित शब्द को दिया जीन प्याजे ने और कहा कि ये जो है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, यानी ये किसी काम की नहीं रहती है अहम केंद्रिता। इसी चीज़ को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि अहम केंद्रिता जो है वो बहुत काम की रहती है, यानी कि जब बच्चा खुद बड़बड़ा रहा होता है तो वह बड़बड़ा रहा होता है, यानी खुद को जो है वो दिशा दे रहा होता है, खुद को दिशा दे रहा होता है। इसी चीज़ को जीन प्याजे किसी काम का नहीं बताते हैं। याद रखना है जीन प्याजे वाइगोत्स्की दोनों ही रचनावादी हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जीन प्याजे भौतिक वातावरण को महत्व देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक समाज को, संस्कृति को महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि अगर बच्चे को जो है सहयोग कर दिया जाए तो बच्चा और भी अच्छे तरीके से जो है उस कार्य को कर सकता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो कि वाइगोत्स्की के संबंध में है कि समाज में अंतःक्रिया वो करता है तब उसका विकास होता है। सहयोगात्मक द्वारा सीखना, ये बात कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि एक बालक का विकास जो है जब होता है जब उसको थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, थोड़ा सा उसको साथ मिल जाए, और जो कि उसको समाज में रहने वाले व्यक्ति व्यक्ति समूह उसके घर परिवार से ही मिलेगा। वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बात को महत्व दिया है। जिस अहम केंद्रित शब्द की बात जो है वो जीन प्याजे ने की थी, जो कि किसी काम की नहीं होती है, उसको इम्पोर्टेंस दी वाइगोत्स्की ने। उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट स्पीच है, यानी खुद से बात कर रहा होता है बच्चा, खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा होता है। ये बोलते हैं कि भाषा से जो है वो विचार आते हैं या अधिगम से जो है वो विकास होता है। इसका उल्टा जीन प्याजे बोलते हैं, वो बोलते हैं कि चिंतन जो है वो बच्चा पहले करता है, फिर जो है वो लैंग्वेज डेवलप होती है।
ठीक है, तो ये फर्क है जीन पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी में। वाइगोस्की की एक बुक है और इनकी बुक है लैंग्वेज थॉट। एक और बिंदु है, देखिए यहाँ पर वाइगोस्की ने एक बात की है जेड पीडी की, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वाइगोस्की का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या तो पूछा जाता है कि इनके सिद्धांत का जो है वो नाम क्या है, ठीक है, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया, तो नाम पूछ लिया जाता है। दूसरा यहाँ से प्रश्न बनता है कि जेड पी डी क्या है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और सहायता प्राप्त कार्य के बीच का जो अंतर है उसको कहा जाता है जेड पी डी। तो यहाँ पर जो है एक देखिए थोड़ा सा यहाँ समझाया गया है। अब जेड पी डी जो है ये है, ये जो ब्लैक में आपके बताई गई है जिसको मैंने अभी ब्लू कर दिया है, ये है जेड पी डी। यानी कि यहाँ पर बच्चे ने जो खुद काम किया, कुछ भी काम जो वो कर रहा है, ठीक है, कैसे भी कर रहा है। और स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प, यानी कि अगर उसको थोड़ी सी हेल्प दे दी जाए तो वो और भी बेटर कर सकता है। उसके बीच में जो ये रेखा है यही है जेड पी डी, ठीक है। अर्थ पूछा जाता है जेड पी डी का, तो आपको बताना है कि स्वयं से किए गए कार्य और सहायता प्राप्त कार्य के बीच के अंतर को जेड पी डी कहा जाता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछा जाए तो स्कैफोल्डिंग, या इसको मचान कहेंगे, इसको हेल्प वो कहेंगे, सपोर्ट क्लू गाइडेंस करेंगे, जो कि समाज में व्यक्तियों के द्वारा उसको दिया गया है, जिससे कि जो भी काम वो कर रहा था, जहाँ उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने कर दी थोड़ी सी हेल्प, अब उस काम को उसने कर दिया है और भी अधिक अच्छा। तो जो बच्चे को जरूरत पर दी जाए उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। तो इस तरीके से वाइगोस्की की थ्योरी में आपको जो है कुछ बिंदु जो हैं उन्हीं को ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, सामाजिक रचनावाद इनको कहा जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा जो है विकास होता है बच्चे का, इस पर ये बल देते हैं। इनकी जो बुक का नाम है लैंग्वेज थॉट, इसी से आपको पता लग जाएगा कि पहले जो है वो भाषा का विकास होता है और उसके बाद जो है वो थॉट आती है, इसका अपोजिट जीन पियाजे कहते हैं। जेड पी डी के बारे में पूछा जाए तो इसका अर्थ जो होता है क्या होता है कि बच्चों द्वारा खुद से जो कार्य किया जाता है और इसको जो हेल्प मिल जाए बच्चे को, तो जो बीच का जो दायरा है, बीच का जो अंतर है, वही जेड पी डी कहलाता है। स्कैफोल्डिंग या मचान किसको कहते हैं, वो हेल्प होती है जो बच्चे को जब जरूरत पड़ी तो उसको दी गई, ठीक है। तो चलिए यहां पर विकास के सभी सिद्धांत जो हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।